तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज है सैटरडे का दिन और भाई सुबह के बज रहे हैं 6:17 गाड़ी में हो रहे हैं, 6:12 फ़ोन में हो रहे हैं। बाकी भाई मैं आज सुबह सुबह निकल गया हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि भाई कल से अपन लोग 2.5 घंटे मॉर्निंग में काम करेंगे, सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। क्योंकि भाई मैं देखो रैपिडो चला रहा हूँ तो भाई रैपिडो में थोड़ा आजकल रिस्क है ये टैक्सी वालों के चक्कर से ना। तो भाई मैंने बोला कि सुबह जल्दी आ जाएंगे, 1-2 राइड मार लेंगे, 150, 200, 250 जितने का भी हमारा काम हो पाएगा, हमारी ग्रिप बन जाएगी काम में। उसके बाद क्या है ना, हम लोग आएंगे सीधा 2 बजे दिन में, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को काम करने वाले हैं। फिर उसके बाद घर चले जाएंगे 1-1.5 घंटे के लिए चाय वगैरह पीने। फिर आएंगे हम सीधा 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, मतलब टोटली 9 घंटे अपन देने वाले हैं ब्रेक कर करके। और जो तीनों होने वाले हैं हाई पीक वाले टाइम, जिसमें हाई ऑर्डर अर्निंग वाले टाइम होने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा अर्निंग होती है ना, जिसमें ज़्यादा ऑर्डर बचते हैं, तो वही वाला सीन है। बाकी मेरे पास एक राइड बच गई है रैपिडो में, तेल में डला रहा था उतने में मेरे पास राइड बच गई, मैंने बोला चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सॉरी ब्रदर। आपको जाना है? चल जाना है। ठीक है, ओटीपी बताना जरा। 7376। चलो भाई 8 किलोमीटर जाना है। नहीं नहीं नहीं, सुबह की हमारी पहली राइड, 15 मिनट दिखा रहा है भाई, फटाफट ड्रॉप करते हैं भाई को। इधर ही यहीं पे ना। ओके भैया, थैंक यू। तो भाई हमारी पहली राइड कंप्लीट हो गई है सुबह की, 99 रुपये कलेक्ट किए मैंने भाई से। बाकी इसके देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं मेरे को, मुश्किल से 12-13 मिनट में आ गए हम इधर, 91 रुपये मिले हैं इसके मेरे को। ठीक है, बाकी भाई नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। चलो चलो जी भाई, भाई एक और राइड बच गई है मेरे पास। मैं रिस्पना पहुंचा ही था कि ये उठाना है कनिष्क हॉस्पिटल से, 64 रुपये की है आई थिंक, मैंने ढंग से देखा नहीं यार, 2 राइडें बज रही थी ना, 64 वाली मैंने उठा ली। बाकी बगल में कुछ उठाना यार कहीं से ही, अरे दूर से देखने ना है पहले कि भाई ऑटो वाला तो नहीं खड़ा है कहीं। अरे इनकी तो नहीं है, ये खड़े हैं जो अपोजिट में। जाना कहाँ है वैसे आपको? देखा मैंने बोला था इंडिका ही है, देख लेते हैं अगर ये जाते भी हैं तो। आपने किसी ना राइड बुक रैपिडो? स्कूल के पास आ रही है, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं, हाँ। तो कैंसिल कर दो फिर। हाँ कर दो। कर रहे हो कैंसिल की मैं करूं? यार यार अब ये वेटिंग फिर फंस गया भयंकर। मैंने बोला था कि भाई ये पक्का रैपिडो बुक कर रहे हैं, नज़र इतनी तेज़ हो गई है मेरी। तो भयंकर अभी मेरा फंस गया यहाँ पे 2.5 मिनट के लिए यार सिस्टम। चलो जी भाई, चलो जी गाइस, भाई बज गया है
9:45 बज चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ सीधा घर। देखो 143 रुपये का काम हो गया है मेरा रैपिडो में। बताया था मैंने आपको जोमेटो भी करा, मैंने आईडी खोल रखी थी तो भाई जोमेटो में मेरा ये ऑर्डर बजा था 63 रुपये का अभी। तो भाई ये टोटल मिला के हो गया भाई 200 पार हो गया है काम। सही है, स्टार्टिंग अच्छी हो गई है 200 की। अभी दिन में आएंगे सीधा 2 बजे, 2 बजे से 5 बजे तक, फिर सीधा शाम को 7 बजे से 10 बजे तक वही प्रॉपर। तो गुड आफ्टरनून गाइस, भाई हम वापस से आ चुके हैं अपने व्लॉग में और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बज रहे हैं। देखो प्रॉपर मैंने बोला था ना 2 बजे अपन ड्यूटी पे आ जाएंगे, मैंने भाई 2 बजने से पहले ही 2-4 मिनट पहले ही आईडी खोल दी थी रैपिडो की। बाकी भाई राइडें बहुत सारी बज रही थी, मैंने राइडें उठाई नहीं क्योंकि हमें पता है कि भाई दिन में राइडें नहीं उठानी दोस्तों। इसलिए मेरे पास आ गया एक फूड का ऑर्डर 56 रुपये का, मैंने ये सॉरी अंकल सॉरी वो आ गए थे ना एकदम से, मत करो, ना ना वो आ गए थे ना साइड वाले। अरे चलो भाई यहाँ से बजाए मेरे पास फूड का ऑर्डर, क्या रेडी होगा ये हमारा ऑर्डर कद्दू? रैपिडो में तो कद्दू नहीं मिलता भाई रेडी ऑर्डर। छः मिनट की वेटिंग है भाई। सिक्स वाला ना चिकन फ्राइड राइस, ठीक रेडी कर दो उसको आप। ओके तो लो जी भाई हमारा ऑर्डर तो हो गया है पिकअप, फटाफट इसको डिलीवर मारते हैं। 6.6 किलोमीटर लेके जाना है, 18 मिनट का रास्ता है बाकी। अपनी मोहिनी ऑलमोस्ट ऑलवेज सेक्सी, हमेशा चमकती रहती है भाई वो। चलो इसे फटाफट देखते हैं कितना, अभी भाई 5 बजे तक करने वाले हैं ना हम लोग, तो 3 घंटे हम काम करेंगे अभी 2 से 5 के बीच में। देखते हैं भाई कितने का काम खींच पाते हैं। बाकी अभी हम 200 रुपये का काम ही करके गए थे सुबह के टाइम, ये 56 रुपये का है। चलो फटाफट डिले। चलो जी भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं कस्टमर की, कहीं कहीं पे देना है ये वाला ऑर्डर। कॉल कर लेते हैं एक बार पुष्पांजलि वेडिंग फॉर्म। अरे लोकेशन तो गलत दिखा रहा भैया आपकी। चलो भाई, भाई देखो ये मेरे पास पहला ऑर्डर बजा था रैपिडो में, ठीक है। ऊपर से बंदे ने लोकेशन ही गलत डाल रखी है, देख रहे हो भाई 5 किलोमीटर दूर बुला रहा है यार बंदा, और यूँ बोल रहा है कि भाई मैं रैपिडो करता हूँ। ऊपर से बोल रहा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दूंगा, क्या बोलूँ कैंसिल कर दे, कह रहा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दूंगा मैं। तो भाई ऐसे ऐसे भाई कसम से ऐसे ऐसे कस्टमर दिख जाते हैं ना मेरे को, दिमाग ख़राब हो जाता है। और बंदा खुद रैपिडो करता है, बोल रहा मैं स्विगी भी करता हूँ रैपिडो भी करता हूँ, फिर भी देखो ऐसी ऐसी हरकतें। मैं सुनाऊंगा ऐसे जाके, मैं बोलो भाई यार तुम रैपिडो करते हो स्विगी करते हो तुम्हें फिर भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम लोग। चलो इधर फटाफट इसके मुँह पर फेंक के मार के आता हूँ एक बार ऑर्डर। चलो भाई पहुँच गए इसकी रियल लोकेशन पर, मैं इसको बोलूँगा भाई अभी। तुम्हारा है क्या ऑर्डर यार? मालिक मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुमने लोकेशन पता कहाँ की डाल रखी है? ये देखो कितनी भयंकर गाड़ी ले ली तुमने तो यार, स्प्लेंडर स्प्लेंडर देखना जरा, 5 किलोमीटर दूर की लोकेशन है तुम्हारी। मैं वही तो बोल रहा हूँ आप रैपिडो में होके लोकेशन गलत डाल रहे यार। लोकेशन कैसे गलत होगी फिर? मेरे को क्या पता, ओटीपी बता दो जरा। ये देखो पता है, ये देखो ना तुम बोल रहे पैसा बढ़ के मिलता है, भाई हमें पता है ना रैपिडो में तो नहीं मिलता पैसा बढ़ के। तुमने ऑर्डर हो गए थे मेरे, ये अब घट घट के लाइन पे वापस हो गए। ये ऐसे ही होता है यार, अगर कोई बंदा राइड कैंसिल करता है ना तो उड़ जाता है भाई। अगली बार से थोड़ा ध्यान से करना, देखो मेरा कितना नुकसान हुआ पता है, मैं कहाँ से आया हूँ वहाँ से पूरा चक्कर मार के मैं आया, मैं डायरेक्ट भी आ सकता था इधर। देख रहे हो गाइस भाई 56 रुपये दिए रैपिडो ने मात्र, इतना लंबा मैं घूम के आया भाई, इस ऑर्डर में मेरे को कुछ भी बचत नहीं हुई है। दिमाग ख़राब हो गया भयंकर इस ऑर्डर में। मिल गया
7307। ओके थैंक यू। क्या बोल रहे होगी 4-5 मिनट की होगी। तो भाई ये था मेरा एक और ऑर्डर बचा था मेरा मुंबई वाइफ से। देखो 650 मीटर लेके जाना है इसको, देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं इसको। ठीक है ओके भैया थैंक यू। हो गया चलो भाई देखते हैं कितने रुपए मिलते हैं इसके। मात्र 650 मीटर था ये भाई, 51 रुपये मिले हैं अभी। देखते हैं इसमें क्या क्या ऐड हुआ। सर्ज ऐड हुआ इसमें 18 रुपये और 3 रुपये वेटिंग के। नहीं क्या क्या ऐड हुआ है, चलो वेट करते हैं दूसरा ऑर्डर का। ऑर्डर भाई इसमें बैक टू बैक बज रहे हैं, मजा आ रहा था। ओके भैया चलो जी गाइस, भाई इस राइड के मेरे को मिले हैं 141 रुपीज़। पर भाई ट्रैफिक बड़ा गंदा ट्रैफिक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि घर कैसे निकलूँगा मैं यहाँ से। भाई घर जाते जाते तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से जाते आने में, क्योंकि इतना गंदा ट्रैफिक हो रहा है ना। अभी क्या है ना, मैं गो टू होम लगा देता हूँ रिस्पना पुल का, मैं राइड नहीं उठाऊँगा। हाँ हालाँकि फूड का ऑर्डर बच गया ना अगर तो उठा लूँगा, पर यार क्योंकि ना मैं जाऊँगा गलियों में से घूम के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है, हद से ज़्यादा गंदा ट्रैफिक। शास्त्री नगर का लगा देते हैं गो टू होम। चलो वेट करते हैं, बसता है तो ठीक है वरना 15:15 तो हो गए हैं। 15:15 बोला मैं, बाकी वेट करते हैं गाइस। 5:15 तो हो ही गए हैं। 6 बजे तक अगर घर पहुंच जाएंगे 1 घंटा फ़ोन चार्ज पे लगा देंगे। 7 बजे से आईडी खोल के दबा के मार लेंगे ऑर्डर। ये देखो धर्मपुर की राइड बज रही है यार, कसम से देखो 100 रुपये की राइड, पर बहुत गंदा ट्रैफिक है, नहीं जा सकता मैं यार, बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई, सोच नहीं सकते। क्योंकि आज वो है ना शोभा यात्रा, भोलेनाथ जी की शोभा यात्रा निकाल रखी है इन्होंने। पूरा जो क्या बोलते हैं घंटाघर वाला एरिया जितना भी है ना पूरा जाम कर रखा है उन्होंने, जगह जगह भंडारे हो रहे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है भाई। गाइज लुक एट दिस, भाई साहब दूर दूर तक बंदे, भाई दूर दूर तक बंदे। अच्छा मैं उस बंदे को उठा के नहीं लाया वहाँ से मैक्स हॉस्पिटल से, मैं अगर इधर लेके आया। देखो ऊपर से भी आ रहे, इधर से भी आ रहे, भाई क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही इतनी जनता देहरादून में। अब शॉर्टकट रास्ता है पर वो गलियों में भी बंद होगा, गलियों में अगर फंस गया तो फिर 1 घंटे से पहले नहीं निकलने का मैं। आँखों से लीजिए आज की बात नशा है, होय होय। चलो भाई ऑर्डर तो मैंने पिकअप मार लिया है। चलो भाई इसको लेके जाना है वो 2.3 किलोमीटर। बाकी अभी क्या है ना, अभी सर्ज मिल रहा है, बारिश हो नहीं रही है पर होने वाली है बहुत तेज, तो भाई इस वजह से इसने 18 रुपये सर्ज दिया है मेरे को। और भाई एक्सेप्ट कर लो, अगर सर्ज का मिल रहा है ना फ्री का पैसा, एक्सेप्ट कर लो बैंकर। फ्री का तो क्या बोलूँ, पर यह है जब कंपनी खुल के बांट रही है तो दे दो। चलो जी भाई पहुंच चुके हैं रात शाम के पहले ऑर्डर पे। भाई कौन सा वाला घर हो सकता भाई इनका, आपका है क्या ऑर्डर? अच्छा तुम्हारी भी हो रही है वीडियो रिकॉर्ड इसमें। गाड़ी आ रही है, ये निंजा का बच्चा है यार ये निंजा का बच्चा है, बच्चा है उसका बच्चा। क्या कह रहा, निंजा का बच्चा है यही है क्या?
भाई कितने सारे लोकेशन डाल रखे इनने, लोकेशन देख रहे इसकी, चाणक्य पूरी, राजीव नगर, टेहरी नगर, बंजारा वाला। लाओ लाओ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली गाइस भाई मिल चुका है हमारा ऑर्डर, ठीक है भाई। पता नहीं क्या लोकेशन डाल के रख रही है कस्टमर ने यार, चार चार पांच पांच लोकेशन डाल रखी इनने। अभी इसने राजीव नगर भी डाल रखा, मेरे को लगा मेरे घर की साइड का ऑर्डर है, फिर बाद में देखा मैंने टिहरी नगर है, बंजारा वाला है, और भी कुछ डाल रखा है, चाणक्य पूरी है। चलो कोई नहीं, जहाँ की लोकेशन दिखाएगा वहीं देख आएंगे। थे लोकेशन आगे दिखा रहा, किस नाम से था ये? वैभव रावत। ठीक है, चलो भाई ऑर्डर तो मार दिया मैंने डिलीवर, ठीक है भाई। 660 रुपये का मेरा रैपिडो में हो गया काम, 67 रुपये इस ऑर्डर के मिले हैं, 17 मिनट वेट नहीं किया मैंने, पर मिल गया मेरे को पैसा। बाकी भाई 63 रुपये का काम हमने जोमेटो भी किया था सुबह, तो भाई ये हो गया है हमारा कम से कम 720 रुपये के समथिंग, नॉट बैड 720। लो जी गाइस, भाई कोई ऑर्डर नहीं बज रहा मेरे पास, ना कोई राइड बज रही है, और टाइम हो गया है रात के 10:14 हो चुके हैं। बाकी मैं आपको काम दिखा देता हूँ कितना का काम मेरा हो रखा है, ठीक है। देखो भाई रैपिडो में मेरा काम हो रखा है 660 रुपये का, और भाई मैंने जोमेटो में किया था एक ऑर्डर सुबह सुबह, 63 रुपये का जोमेटो में मेरा ऑर्डर भेजा था, ये देखो, ठीक है। तो भाई इसको अपन अगर टोटल करते हैं तो 660 प्लस 63, 723 रुपये का मेरा काम हुआ है भाई। अगर आज ट्रैफिक ना होता ना भाई, मज़ा आ जाता आज काम में, जिस हिसाब से राइड बज रही थी। देखो राइड है 131 प्लस 59, 104 प्लस 25, 89 प्लस 10, बहुत राइड बजी यार आज, बहुत राइड है। पर सीन ये था कि भाई ट्रैफिक ना आज बहुत ज़्यादा था, अल्टीमेट ट्रैफिक था आज, बंदा सोच भी नहीं सकता इतना गंदा ट्रैफिक था आज, पता है। बाकी भाई कल भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि कल परसों रक्षाबंधन है और कल लोग शॉपिंग करेंगे, तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है कल। बाकी देखते हैं किस हिसाब से काम करेंगे हम लोग, ठीक है। काम वैसे हो रहा है जिस हिसाब से मैंने टाइमिंग चूज़ करी ना, इस टाइमिंग पे काम हो रहा है। बस ट्रैफिक ना होता तो भाई ये जो 700 रुपये का काम हो रखा ना, ये 200 रुपये और बढ़ जाता, 900 रुपये का काम तो पक्का होना था आज। पर कोई नहीं, जितना किस्मत में लिखा है उतना लेके जाएंगे हम। बाकी 150 रुपये का मेरा तेल लग चुका है, 180 रुपये का मेरा तेल लग गया है आज, तो अभी माइनस माइनस कर लेना। बाकी भाई सीधा मैं घर निकल रहा हूँ अब, तो मिलते हैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर कल दिन अच्छा जाए हमारा, वैसे तो संडे है कल, तो ट्रैफिक की भाई हद नहीं होने की, कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, सबकी छुट्टी होगी और लोग शॉपिंग वगैरह करने निकलेंगे। तो बाकी चलो गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।